दोस्तों, हमारा पूरा देश बंद पड़ा है, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है और ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज बंद पड़ी हैं। उन कंपनीज के अंदर 0% काम हो रहा है, मतलब कि कोई भी इम्प्लॉयज काम पे नहीं जा रहा है, कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। तो क्या उन कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी? एक सवाल दिमाग के अंदर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है, हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 29 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नोटिफिकेशन इशू करती है और उसके अंदर ये बात की जाती है, मतलब कि वहां पे डायरेक्शन इशू होती है इंप्लॉयर्स के लिए कि वो अपने इंप्लॉयर्स की सैलरीज को ना काटे और जब उनको सैलरी मिलनी चाहिए उनको वो सैलरी दे और भी किसी भी अपने इंप्लॉयर्स की जो है वो सैलरीज को डिडक्ट ना करें, उनको वहां से बाहर ना निकाले कंपनी से। ये इसके अंदर बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इसको चैलेंज करने के लिए पिटीशन दाखिल होते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला जाता है, नोटिफिकेशन है ये, कहने की इसका कोई लीगल आधार नहीं है, मतलब कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को कंपेल नहीं कर सकती है क्या अपने इम्प्लॉयज को सैलरीज दे जब वहां कोई काम नहीं हो रहा है। हम तमाम लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है और मैक्सिमम कंपनी जो बंद पड़ी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो सैलरी दे सकती हैं, लेकिन जो आपकी मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज हैं वो कहने की सैलरीज नहीं दे सकती हैं क्योंकि उन कंपनीज के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है, मतलब कि 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ है, तब से लेकर अभी तक वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो सैलरीज किस बेस पे ऊपर देंगे, सैलरीज कहां से देंगे, ये इसके अंदर बात की गई है। दूसरी बात यहां पे की गई है कि अगर कंपनीज अपने इंप्लॉयज को सैलरी देती हैं, अगर कंपनीज अपने कर्मचारी को सैलरी देती हैं विदाउट एनी वर्क, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो कंगाल हो सकती है, कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी में जा सकती है, ये भी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है। सेकेंड लास्ट बात इसके अंदर की गई है कि जब भी कोई भी कर्मचारी किसी कंपनी के अंदर अपॉइंट होता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में कि अगर आप काम नहीं करेंगे आपको पे नहीं मिलेगा, मतलब कि नो वर्क नो पे। तो ये किस आधार पे यहाँ पे बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किस आधार पे प्राइवेट कंपनीज को कंपेल कर रही है कि वो जो है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे, कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी दे जब वहां कोई काम नहीं हो रहा है। और लास्ट पॉइंट इसका ये बोलता है कि अगर आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो आपको राइट देता है, वो इंप्लॉयर को राइट देता है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है वो अपने कर्मचारियों की सैलरीज को कट कर सकते हैं, उनको डे ऑफ कर सकते हैं, ये उनके पास राइट होता है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, चलिए हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन मामलों को सुनने के लिए 3 जजेस की बेंच बनाई जाती है, जस्टिस एनबी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बी आर गबनी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बोलता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू करता है कि 2 हफ्तों के अंदर आप एक रिपोर्ट फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपका इसके ऊपर स्टैंड क्या है और आप इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है, जितने भी कर्मचारी हैं जो किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं कि आपकी कंपनीज आपकी सैलरीज को नहीं कट कर सकती हैं, वो आपको प्रॉपर सैलरी देनी पड़ेगी विद ड्यू डेट, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर कोई भी इम्प्लॉयर आपकी सैलरीज को कट करता है, उसको कम करता है, आपको सैलरी नहीं देता है, देने से मना करता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कहां करेंगे, कैसे करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मैं आने वाले समय यानी कि कल मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा कि आपको कंप्लेंट कहां करनी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इसके बारे में रिपोर्ट फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट फाइल नहीं करती है तब तक कोई भी इंप्लॉयर आपकी सैलरीज को नहीं काट सकता है, उसको कम नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।